तो दोस्तों आ गए हैं हम इस चैनल पर एक और वीडियो लेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी डॉग ब्रीड के बारे में जो कि वन ऑफ द रेयरेस्ट डॉग ब्रीड है इस प्लैनेट की, जो कि दिखने में बिल्कुल एक पोछे की तरह दिखता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक पोछे की तरह। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। दोस्तों यहाँ आपको जानने को मिलेगी डॉग्स की ब्रीड के बारे में कई सारे इन्फॉर्मेशन और डॉग्स से रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स। तो दोस्तों बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस डॉग ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं, उस डॉग ब्रीड का नाम है पुली और ये वन ऑफ द रेयरेस्ट डॉग ब्रीड है इस प्लैनेट की। इस डॉग ब्रीड को करीब 1000 साल पहले हंगेरी में ब्रीड किया गया था। इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता था एज अ हर्डिंग डॉग, यानी कि ये शेप्स और भेड़ों को चराने और उन्हें इकट्ठा रखने के काम आते थे। कभी कभी इन्हें एज अ वर्किंग डॉग भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये तो थी कुछ बातें पुली की हिस्ट्री को लेकर। अब बात करें अगर पुली के अपीयरेंस के बारे में, तो ये एक स्मॉल मीडियम डॉग ब्रीड है जिसका फर जो है दूसरे डॉगों से काफ़ी अलग होता है। जहां दूसरे डॉग्स का फर एक नॉर्मल फर होता है जिसमें बस बाल होते हैं, वहीं इस डॉग ब्रीड के फर की अगर बात करें तो इसके जो बाल होते हैं वो आपस में गुथे हुए होते हैं और बिल्कुल ड्रेडलॉक्स की तरह नज़र आते हैं। अगर आप इसे कहीं बैठा देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई कपड़ा या फिर कुछ पोछा रखा हुआ है। अगर पुली के लुक्स के बारे में बात करें तो ये इससे मिलते जुलते एक डॉग जिसका नाम कॉमनडोर है उसकी तरह नज़र आता है। जबकि कॉमनडोर एक थोड़ा बड़ा डॉग ब्रीड है, वहीं पुली एक थोड़ी छोटी डॉग ब्रीड है। अगर बात करें पुली के हाइट के बारे में, तो एक फ़ीमेल पुली की हाइट जो होती है वो 42 सेंटीमीटर तक होती है और एक मेल पुली की हाइट जो होती है वो 42 to 45 सेंटीमीटर तक होती है। अगर बात करें इनके वेट के बारे में, तो एक मेल पुली का वेट जो है वो 15 to 17 किलोग्राम तक होता है, वहीं एक फ़ीमेल पुली का वेट जो है वो 10 से 15 किलोग्राम यानी कि 10 to 15 किलोग्राम तक होता है। आमतौर पर देखा जाए तो पुली आपको सिर्फ ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेंगे, मगर कई बार ये वाइट और ब्रिंडल कलर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पुली डॉग ब्रीड जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट और एक्टिव डॉग ब्रीड है। अगर अब मैं यहाँ पर एक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो जाहिर सी बात है इस डॉग ब्रीड को काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसे एक छोटे घर में या फिर इंडोर रखना चाहते हैं तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल बात हो जाएगी, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की रोज़ डेली बेसिस पर ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करें इस डॉग ब्रीड के स्वभाव के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली डॉग ब्रीड है। बच्चों के प्रति इनका स्नेह बहुत ज़्यादा रहता है। ये बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और घर के सदस्यों के लिए ये काफ़ी लॉयल होते हैं और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। अगर देखा जाए तो ये डॉग ब्रीड दिखने में बहुत बल्की दिखती है। लगता है ऐसा कि ये बिल्कुल भी हलचल नहीं करते होंगे या बहुत सुस्त रहते होंगे, मगर इनके अपीयरेंस पर आप बिल्कुल ना जाएं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत तेज़ रहते हैं। अगर आप इन्हें अपने घर में एज अ वॉच डॉग रखना चाहते हैं तो आपका ये बिल्कुल बेहतर फैसला होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस डॉग ब्रीड को ब्रीड किया गया था एज अ हर्डिंग डॉग, जो कि इन्हें एक बहुत अच्छा वॉच डॉग बनाती है। ये घर के सदस्यों के लिए तो काफ़ी लॉयल होते हैं और काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, मगर अगर कोई इंट्रूडर यानी कि कोई बाहर का व्यक्ति घर में आता है या ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करता है तो ये उसके प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। ये उसके ऊपर तुरंत हमला कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे वॉचडॉग साबित हो सकते हैं आपके घर के। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुली एक स्मॉल मीडियम डॉग ब्रीड है, यानी कि ये ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं होते हैं। तो कई लोगों को इन्हें देखकर भ्रम हो जाता है कि यह डॉग ब्रीड तो डरपोक होगी या कुछ ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। वैसे नुकसान तो ये किसी को नहीं पहुँचाते हैं, मगर जब लोग सोचते हैं कि इन्हें डर लगता होगा तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। यह डॉग ब्रीड किसी से कभी बिल्कुल नहीं डरती है, ये अपने साइज़ के बिल्कुल विपरीत होते हैं। कई लोग इन्हें आज भी एज अ हर्डिंग डॉग इस्तेमाल करते हैं अपनी भेड़ों और गायों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका फर जो है वो काफ़ी अलग होता है। इनके बाल आपस में गुथे हुए होते हैं और बिल्कुल ड्रेडलॉक्स की तरह नज़र आते हैं। तो जब कोई वुल्फ या फिर कोई भालू इनके ऊपर हमला करता है तो वो इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाता है, क्योंकि इनके बाल कुछ अलग प्रकार के होते हैं, वो भालुओं और भेड़ियों के हमलों को रोक लेते हैं। अब अगर बात करें एक फेमस पुली के बारे में, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के संस्थापक मिस्टर मार्क जुकरबर्ग के पास एक पुली डॉग ब्रीड है जो कि उन्होंने 2010 में अडॉप्ट किया था, जिसका नाम उन्होंने बीस्ट रखा हुआ है। और ये काफ़ी फेमस डॉग है क्योंकि सीधी सी बात है ये मार्क जुकरबर्ग के पास है। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पुली डॉग ब्रीड के बारे में। ऐसे ही फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ सुझाव या फिर कुछ शिकायतें हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।
बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।